नाज़रीन, इस वक्त हम आपको एक अहम खबर सुनाने जा रहे हैं कि रमज़ान मुबारक की 27वीं शब को 20 लाख से ज़ायद ज़ायरीन ने मस्जिद उल हराम मक्का मुकर्रमा में क़ियामुल लैल की नमाज़ में शिरकत की। वैसे तो माह सियाम शुरू होते ही मस्जिद हराम और बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए आने वाले मुसलमानों की बड़ी तादाद हमा वक्त मस्जिद हराम में मौजूद रही है, मगर रमज़ान मुबारक की 27वीं शब में नमाजियों की तादाद में कई गुना इजाफा देखा गया। दूसरी तरफ सदारत आम्मा बराए उमूर हरमैन शरीफैन ने रमज़ान मुबारक की 27वीं शब को नमाजियों के इस्तकबाल के लिए गैर मामूली इंतजाम किए थे। जनरल प्रेसिडेंसी ने अपनी पूरी तैयारियों के ज़रिए एक मरबूत निज़ाम के तहत रात को मोतमरीन और इबादत गुजारों का इस्तकबाल किया। सऊदी रिपोर्ट के मुताबिक सदारत आम्मा ने 27वीं शब पर 400 इजाफी मुलाजमीन को भर्ती किया है ताकि वो मतलूबा नमाजियों और आज़मीन को लेकर उन्हें सहन और मस्जिद हराम में मुतय्यन करदा मकामात की तरफ ले जाएं। उसके लिए मस्जिद हराम में दाखिले और बाहर निकलने का इंतज़ाम करें और इस मौके पर मस्जिद को हर तरह की वबाई जरासीम से पाक करने के लिए फोल प्रूफ इकदाम किए गए थे। बुजुर्ग और माजूर ज़ायरीन को इलेक्ट्रिक और व्हील चेयर फराहम किए गए थे। اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.